देखिए, जहां हम और आप जी रहे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग। और आदमी को देखिए, पोछिटा बांध के कलयुग के पीछे पड़ा है आदमी। कलयुग महाबेकार है, बहुत ये है वो है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कब जौन नर कर विश्वास। क्यों महाराज? इस युग में गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं भया। क्यों? इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितना सरल बताया गया है, कलयुग छोड़कर किसी तीन युगों में नहीं है। केवल यदि विश्वास हो जाए आपका, और विश्वास पूर्वक हम भगवान के गुणानुवाद में लग जाएं, गुणगान में लग जाएं, तो बिना और कुछ किए हम और आप भव सागर से पार हो सकते हैं। ये इस कलिकाल की विशेषता है, और हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं, उसी कलिकाल में हमको आपको जन्म मिला है। जीवन में जब जब क्षण मात्र का भी सत्संग, भगवत कथा में उपस्थित होने का, गाने का, सुनने का अवसर मिल जाए, तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए और अपने पर भगवान की कृपा समझनी चाहिए। रचना बनी हम और आप यहां आए। आदरणीय टीआई साहब कह रहे थे कि हम सही बोल रहे हैं ना, प्रमोशन हो गया है कि टीआई साहब सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ रहना जरूरी है ना। एक जगह कथा में आए सांसद जी, और हमारा उनका बड़ा घरेलू है, तो अब हमको हमारे मुंह से दो तीन बार विधायक जी निकल गया। हम कथा के आनंद में थे, हमको पते नहीं चला विधायक हैं कि वो सांसद हैं। तो उनको तो बुरा नहीं लगा, बगल वाले गुस्सा के बोले, महाराज जी विधायक नहीं सांसद कहिए। हमने कहा अच्छा भैया क्षमा करो सांसद जी। तो आदरणीय भैया कह रहे थे अभी कि भगवान की कथा को बैर भाव से नहीं, प्रेम भाव से सुनना है। वस्तुतः जो प्रेमी होगा उसी इस ऑडिटोरियम में आकर बैठेगा, दूसरा आएगा ही नहीं। भगवत कथा का काम ही है प्रेम को जागृत करना। अच्छा चलिए इसी से गाते हैं। भारत के अद्भुत महापुरुष प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, वो कहते हैं राम कथा क्यों सुननी चाहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी की रचना है, कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ
शुभ आचरण करना सिखाते रोज राय सदा शुभ आचरण करना निबंध मति मंजुल चार वेद 18 पुराण 6 शास्त्र इसके बाद जितने रामायण है रामायण कितने हैं 100 करोड़ से ऊपर। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं सभी सदग्रंथों के सार को निचोड़ कर और मैंने इस श्री रामचरित मानस की रचना की। पूज्य विद्व गोस्वामी जी कहते हैं यदि इसको आप पढ़ेंगे कभी वेदों
सभी गीता की गंगा में कभी सर बिंदु कभी सर बिंदु कभी सर बिंदु में मन को डुबो बताती रोज राम बताती रोज राम जी की कथा क्या करती है हमें कही आप लोग हमें निज धर्म पर चलना बताती कब 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 रोज रामायण। अच्छा आप बताइए कोई भी व्यक्ति आपको रोज रोज एक बात कब बता सकता है? संतोष जी हम आपसे रोज एक बात कब कैसे बता सकते हैं? हम जो पूछ रहे हैं आपके समझ में बात आ रही है कनोडिया जी? हम आपसे एक बात कोई भी बात रोज यदि बताना चाहें उसके लिए क्या करना होगा? हाँ रोज मिलना होगा, न मिल पाए तो रोज बात करनी होगी। जब तक हम आमने सामने नहीं होंगे, टेलीफोन पे नहीं आएंगे, तब तक ना हम आपको बताने वाले हैं ना आप सुनने वाले हैं। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, तो ये बात सुनने के लिए रोज रामायण से मिलना होगा। कैसे मिलना होगा महाराज? 7 दिन तो हम कथा सुना के चले जाएं, 8वें दिन से यदि पोथी जी लेकर आप मिलना प्रारंभ कर दें तो बताती रोज रामायण। रोज पढ़ना होगा। क्या बताएगी? निज धर्म। सभी मनुष्य का अपना एक निज धर्म है। पिता का धर्म कैसा होना चाहिए सीखना है, रामायण नित्य बताती है। एक पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए जानना है, रामायण नित्य बताती है। एक भाई का धर्म, एक मित्र का धर्म, एक सद्गुरु का धर्म, एक पति का धर्म, एक पत्नी का धर्म, मनुष्य के गृहस्थ जीवन के आचार संहिता का नाम है श्री रामचरितमानस। ये बताती रोज रामायण। मूल रूप से कहा जाए तो धर्म ही केंद्र में है। जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाए, धर्म समाप्त न होने पावे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए पिता प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया, धर्म के लिए भरत भैया ने अपनी मां का त्याग किया। धर्म जीवन में है तो सब कुछ आपके पास है, यदि धर्म केंद्र में नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हम समाप्त हैं, हमारा कोई अर्थ नहीं है। ये धर्म की स्थापना कैसे होगी? ये धर्म की स्थापना होगी जब हम नित्य रामायण जी के संपर्क में बने रहेंगे, तो धीरे धीरे ये धर्म हमारे जीवन के आधार स्तंभ में आ जाएगा। और धर्म आ गया तो उसका परिणाम देखिए,
मनु जी महाराज का जब परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी कराते हैं तो क्या कहते हैं मनु जी और सतरूपा मैया के बारे में, दंपति धर्मा आचरण नीका, और उसका परिणाम क्या है, अजहूं गाव श्रुति जिन के लीका। दंपति धर्म और धर्मशील जीवन का परिणाम आचरण नीका। धर्म होने के साथ मनु जी और सतरूपा मैया का आचरण नीक हो गया, नीक यानी दिव्य, और आचरण नीक हुआ तो परिणाम अजहू गाव श्रुति जिनके लिखा। वेद आज भी उनका गुणगान करते हैं, किनका, मनु जी और सतरूपा मैया का। यही मनु जी जब दशरथ जी बने तो वहां भी गोस्वामी जी परिचय देते हैं शंकर भगवान के मुख से, तो कहलवाते हैं क्या, इजि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जीवन बदल गया लेकिन परिभाषा नहीं बदली। क्या कहा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राम जी की कथा, श्री रामचरित मानस जी की कथा मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना करती है। वो श्लोक मुझे याद नहीं है, भागवत जी का मुझे ज्ञान नहीं है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्राणाय। सही बोल रहा हूं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सही बोल गया हो, हमको याद नहीं था। देखिए भागवत जी का हमको ज्ञान नहीं है, अपने बारे में हम ठीक से जानते हैं ना, लेकिन आइए विषय पर आइए। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो श्री रामचरित मानस बीजी भगवान का एक अवतार है मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए, भगवान रामचरित मानस जी के रूप में अवतार लिए।